हे नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी कमाल की जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैमेज पासपोर्ट के बारे में। दोस्तों, जाहिर सी बात है, पासपोर्ट है तो इसकी केयर भी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि ये काफ़ी एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन बहुत सारे लोगों से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण जो है उनका पासपोर्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो पासपोर्ट है एक नॉर्मल डायरी की तरह है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर में कवर होते हैं और अंदर में ये पेजेस होते हैं जिसके ऊपर हमें वीज़ा स्टैम्पिंग का यूज़ होता है, और दोनों टाइप जो कवर इसकी है वो काफ़ी टाइट और काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन कुल मिला जुला के एक छोटी डायरी जैसी होती है। ऐसे में अगर हम इसे ठीक से हैंडल ना कर पाएँ, ठीक से कैरी ना कर पाएँ, तो कुछ ना कुछ इसमें डैमेजेस हो जाते हैं। तो उसको लेकर ना हमारे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आते हैं, क्योंकि इससे हम अब्रॉड ट्रेवल करने वाले हैं तो कहीं कुछ डैमेज हो जाने की वजह से हमें एयरपोर्ट पे कहीं रोक लिया ना जाए, कहीं हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ हमें अरेस्ट ना कर लिया जाए, तो ऐसे ना बहुत सारे छोटे बड़े ख्यालात जो है वो मन में आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में ना हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, और किस प्रकार का डैमेज जो है वो चलेगा और किस प्रकार का डैमेज बिल्कुल नहीं चलेगा, और अगर आपको डैमेज हो गया तो आपको क्या करना होगा, तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट का काफ़ी अच्छे से केयर करना चाहिए। आपको एक अच्छा सा पासपोर्ट कवर आप ले लो, जिसमें अच्छे से इसको रख सको, हैंडल कर सको, ठीक है, वो एक अलग बात हो गया। लेकिन देखो, पासपोर्ट का जो डैमेज होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है माइनर डैमेज और एक होता है मेजर डैमेज। माइनर डैमेज में क्या हुआ कि हल्का सा पासपोर्ट हमारा मुड़ गया, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइट है, ये तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन बाई चांस हमने इसको रखा, इस पर बैठ गए तो ये बिल्कुल टियर हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो ये हुआ माइनर डैमेज, क्योंकि इसका केवल शेप बदला है, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है, कहीं से फटा तो नहीं है, कहीं से कटा नहीं है। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जो धागा, जो सिलाई होता है यहाँ पे बीच से, वो हमारा धागा ढीला हो गया और हमारे जो पासपोर्ट है ये खुल गया, तो ये भी एक तरीके से माइनर डैमेज माना जाएगा, क्योंकि ये मेजर डैमेज नहीं है, सभी चीज़ें इसके अंदर सुरक्षित हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि आपका पासपोर्ट किस तरीके से डैमेज हुआ है, उसके बाद ही आपको क्या करना है आप ये डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर आपका पासपोर्ट कुछ इस तरीके से डैमेज हुआ है कि जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन हैं, जो भी पेजेस हैं, जो भी आपका यहाँ पे नेम एड्रेस वाला पेज है, पीछे में जो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे है एड्रेस का, वो अगर बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है तो यहाँ पे ये एक तरीके से माइनर डैमेज है, आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लेकर आप ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सभी जानकारियाँ और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है। दूसरा गाइज होता है मेजर डैमेज। मेजर डैमेज मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा डैमेज हुआ जिसके कारण हमारे पासपोर्ट का जो रूप रेखा है यही बदल गया है, मतलब कि हमारा ये ऊपर का पेज ही है, यहाँ से फट के बाहर हो चुका है, अंदर का जो वीज़ा वाले पेज होते हैं, लगभग जो 36 पेजेस होते हैं, ये फट कर बाहर निकल गया हो, ठीक है, पूरा पासपोर्ट के जितने भी अलग अलग पेजेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो चुके हों, मतलब कि ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में है ही नहीं जैसा आपको मिला था, इससे कोई पेज मिस हो गया या फिर ये बिल्कुल पूरी तरीके से फट गया, पानी में चला गया, अगर ये आपका पूरा पासपोर्ट ही पानी में चला गया, इसके ऊपर तेल गिर गया, तो वो डैमेज जो है मेजर डैमेज माना जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपका पासपोर्ट जो है वो ट्रेवल करने लायक नहीं रह जाता है, वो यूज करने लायक नहीं रह जाता है, वो इनवैलिड हो जाता है, और इसके साथ ही आपको नया और एक तरीके से दूसरे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा अंडर पासपोर्ट रीइशू, ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट रीइशू कैटेगरी के अंदर आपको फिर से अप्लाई करना होगा, और जिस वक्त आप अप्लाई करेंगे, जब आपका अपॉइंटमेंट होगा वहाँ पे आपको अपना पुराना वाला पासपोर्ट भी वहाँ पे अपॉइंटमेंट सेंटर पे कैरी करना होगा, ताकि वो इसके ऊपर कैंसिल का स्टाम्पिंग कर दें और वो आपको दोबारा दूसरा पासपोर्ट इशू कर दें।
दोस्तों, अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं रहेगा तो आपको लॉस्ट पासपोर्ट के अंडर में जो है फिर से अप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिए आपको 6,000 रुपये पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि भले आपका पासपोर्ट फट जाए लेकिन ये आपके हाथ में रहे, आप वहाँ पे शो कर सको कि आपका जो पासपोर्ट है ये लॉस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये केवल डैमेज हुआ है और ये अभी आपके पास सुरक्षित है। अगर लॉस्ट पासपोर्ट के अंदर में अगर आप जो है अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको पहले FIR करवाना होगा। FIR की कॉपी के साथ ही आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपको 6,000 रुपये का पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ ना कि इस वीडियो से आप पूरी चीज़ों को बारीकी से समझ पाए होंगे कि आपका पासपोर्ट किस प्रकार से डैमेज हुआ है, तो आपको क्या करना है, और अगर आप मेजर और माइनर में से डिफरेंस समझने के बाद अगर आपका पासपोर्ट मेजर डैमेज हुआ है तो आप फिर से जो है रीइशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और कन्फ्यूज़न है, कुछ और डाउट है, या फिर आप पासपोर्ट के बारे में कुछ और जानना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।